हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल बी स्टडिंग चैप्टर नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रैक्टिस सेट नंबर 32। सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज वी विल बी कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इन टुडेज वीडियो, एंड द अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग इट। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस बाय कैलकुलेटिंग द एसपी एंड द सीपी। एसपी मींस सेलिंग प्राइस एंड सीपी मींस cost price. So we have to calculate first, find out what is the selling price, what is the cost price, and then we have to find the profit and loss. It is very easy. Only thing is you all should understand the problem sum that has been given. Okay, so I'll be explaining you both in English and Hindi so that it will not create a confusion. Let's start. From a wholesaler, Santosh bought 400 eggs for rupees 1500. ओके, मतलब सीपी इज 1500 फॉर 400 एग्स, 400 अंडे लाए फॉर 1500 रुपीस, एंड स्पेंड रुपीस 300 ऑन ट्रांसपोर्ट, प्लस उसके साथ उसने 300 रुपीस पे किए फॉर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सबसे पहले तो हमें अभी एसपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज देर आर टू अमाउंट्स, 1500 एंड 300, 1500 के अंडे लाए, 300 ट्रांसपोर्ट के है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द सीपी फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट, 50 एग्स फेल डाउन एंड ब्रोक, मतलब 400 अंडों में से 50 अंडे फूट गए। ही सोल्ड द रेस्ट एट रुपीज 5 ईच, जितने भी बचे हुए अंडे थे, मतलब अभी 400 में से 50 गए तो फिर बचे 350, सो फ्रॉम 350 एग्स ही सोल्ड 1 एग फॉर रुपीज 5। All right, so we have to find the selling price also. अब selling price क्या होने वाला है, that we have to find. Did he make a profit or a loss and how much? Oh, got it? So पहले उसने कितने अंडे लाए, that we will calculate, that we will get the, from there we will get the SP and CP. Okay, so he got 400 eggs at rupees 1500. All right, then for transport he spent rupees 300. All right, तो इस हिसाब से CP कितना हो गया, that we have to add. Okay, तो हमें CP यहीं पे मिल जाएगा, so it is going to be rupees 1800 is a CP. Got it? In this way we've got the CP. Now what happened? 50 eggs fell down. Okay, so 50 eggs fell down. So therefore 400 minus 50. So how many eggs left? 350 eggs left. Okay, so we need this 350. Now he sold this 350 eggs for rupees 5. ओके, मतलब 5 रुपए में एक अंडा उसने बेचे, ऐसे कितने अंडे थे, 350 एग्स वर थे। सो अब हमें पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 350 अंडे बेचने के बाद उसे कितने पैसे मिले। सो 350 मल्टीप्लाइड विथ 5 0, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, सो द आंसर इज 1700। ओके, सो देयर फोर सीपी कितना है, रुपीज 1800, एंड एस पी कितना है, रुपीज 1750। ना सी पी इज ग्रेटर, एस पी इज लेस, सो इट इज अ लॉस, सो देयरफॉर संतोष मेड अ लॉस। तो कितना लॉस है, दैट वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। सी पी इज 1800 एंड एस पी इज 1750 रुपीज, तो इनको माइनस करने पे आता है 50 रुपीज, सो द लॉस इज रुपीज 50। कंप्लीट द सम बाय द कंक्लूजन, संतोष मेड अ लॉस ऑफ रुपीज 50। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Abraham bought goods worth rupees 50,000 and spent rupees 700 on transport. मतलब उसने कुछ चीज़ें लाए for rupees 15,000 and वो transport में he added rupees 700 as
ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टैक्स. ओके, तो हमें सबसे पहले तो अभी सी पी कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय एडिंग 50 and 7,000. ओके, इफ ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹65,000, डिड ही मेड अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड बाय हाउ मच. तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली एसपी हमें दिया हुआ है, दैट इज सेलिंग प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज ही मेड 65,000 आफ्टर सेलिंग दोज गुड्स. तो उसने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, और अगर किया है तो कितना किया है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ रुपीज 50,000 गुड्स ही बॉट, ओके, प्लस 7,000 ट्रांसपोर्ट में गए एंड ऑक्ट्रॉय. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट, दिस इज ऑल्सो रुपीज, तो ये हो जाएगा 57,000 रुपीज. ओके, सो देयर फोर सी पी इज इक्वल टू रुपीज 57,000. ऑल राइट, सी पी मिल गया. नाउ वॉट वी विल डू, वी हैव एस पी डायरेक्टली, है ना, एस पी तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है. हाउ मच इज इट, 65,000 रुपीज. तो ये कैलकुलेट हो सकता है, इज़न्ट इट, ओरली ऑल्सो वी कैन से दैट ही मेड अ प्रॉफिट. अब कितना किया है, दैट वी हैव टू फाइंड. बिफोर दैट वी विल राइट अब्राहम मेड अ प्रॉफिट. अब कितने का प्रॉफिट किया है, दैट वी विल फाइंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. एस पी कितना था, 65,000, सी पी कितना है, 57,000 रुपीज़. इसको कंबाइन में लिख लेंगे. ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन आई विल शो यू ओवर हियर ओनली, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सब्ट्रैक्ट, दैट इज़ व्हाई आई हैव टू शो यू ऑल. 0, 0, 15 और ये 5, तो ये हो जाता है 8. सो दिस इज 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ अब्राहम को. Got it? Now we will complete the statement or the sum. Abraham made a profit of ₹8,000. Got it? Isn't it easy? The sums are very easy to solve, children. The only thing is you all have to be able to crack the sentences that they have given in the problem sum. Alright, so let's start with the third sum now. Ajit Kaur bought 50 kg of sack of sugar for ₹1750. 50 kilo sugar for ₹1750. But as the sugar prices fell, he had to sell it at ₹32 per kg. How much loss did he incur? अब डायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे तो दिया हुआ है, इट इज़ अ लॉस, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉस. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डायरेक्टली फाइंड द सी पी फर्स्ट एंड देन सी पी हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, एस पी हमें फाइंड करना है, बिकॉज बाद में उसने 50 केजी शुगर ₹32 वन केजी में बेचा है. तो 50 केजीज का कितना होता है, दैट वी हैव टू फाइंड बाय कैलकुलेटिंग द एस पी. ओके, सो फर्स्ट हम कैसे लिखेंगे, 50 केजी ऑफ शुगर ₹1750. ओके, ही सोल्ड इट फॉर ₹32 पर केजी, देयरफॉर प्राइस ऑफ शुगर एट ₹32 per kg, therefore 50 into 32. Okay, directly भी हम इसको कर सकते हैं. I will multiply and show you. 50 into 32, 200, 52s are 10, 0300, 35s are 15. So the answer is ₹1600. Obviously, CP कितना है, ₹1750 जो ऑलरेडी दिया हुआ था. एस पी हमने फाइंड कर लिया आफ्टर सेलिंग इट ₹32 पर केजी, तो हमें मिल गया है लॉस. ओके, सो अब लॉस का हो जाएगा सी पी माइनस एस पी. सो 1750 माइनस 1600 रुपीज़, इसको कंबाइन लिख लेंगे.
therefore rupees 150. अब कैलकुलेशन आई विल डू इट ओवर हियर एंड शो यू ऑल. 0510 सब्ट्रैक्ट करा है मैंने. देयरफॉर लॉस इज रुपीज 150. अब अजीत इनकर अ लॉस ऑफ रुपीज 150. नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6, I will be solving in the next video. Till then, take care. Bye.